Dear friends, now we begin our wonderful day with a cheerful good morning. Yesterday we read chapter 5, the Samhit Vidhi, and in this chapter I found many words which are new for you, and I think I have to tell you about the meaning of these words so that you can improve your vocabulary. Then friends, please pay attention to these words. Samhit. Samhit means peak. Peak means shikhar, choti. Next step, dominant. Dominant, most powerful, shaktishali, bahut jo shaktishali hota hai. Most powerful. Next, endurance. Endurance होता है the capacity, the capacity to bear means सहन करने की capacity, सहन शक्ति आप बोल सकते हो. Persistence means you can say that when you continue to do something even though it is difficult for you. आप किसी काम को कंटिन्यू करते हो हालांकि आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स ऑब्स्टिनेसी. ऑब्स्टिनेसी दृढ़ता आप इसे कह सकते हो, दृढ़ता हिंदी में. कम्युनियन. कम्युनियन मीन्स होता है क्लोज रिलेशनशिप. क्लोज relationship. Next, at stake. In danger. In danger. Next, mystical. Mystical means spiritual, adharmic. S P R I spiritual. Next then, S-P-I-R-I-T-U-A. Acclaimed. Acclaimed means hota hai when you praise someone. Acclaimed. Praise. Kisi ki tarif karna, kisi ko sarana. Brittle. Brittle means hota hai cruel. Kafi nirdey. Cruel. Look at a glance. Samhit, peak. Dominant, most powerful, endurance, the capacity to bear, persistence, obstinacy, and communion, close relationship, at stake, in danger, mystical, spiritual, and acclaimed, praised, brittle, cruel. Number 10, eternal. Eternal means minding. किसी चीज को काफी गहराई से सोचना, चिंतन करना. ओके, माइंडिंग. एसेंट. एसेंट मींस क्लाइम, चढ़ाई करना. रिवरेंस. रिवरेंस मींस रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट. केन. केन आ हीप ऑफ रॉक्स. हीप इन ढेर, ए हीप ऑफ रॉक्स, चट्टानों का जो ढेर होता है पत्थरों का. अकीन. अकीन मीन्स सिमिलर. एंड ऑर्डिल्स, पेनफुल एक्सपीरियंसेस. दीज आर योर वन मीनिंग. एंड नाउ we will discuss about the question answer of this chapter. You can see it. Question first. What are the three qualities that play a major role in the author's climb? Ki us jo author hai isme
मेजर एचपीएस अहलूवालिया, उनमें क्या 3 गारंटीज थी जिन गारंटी ने उनकी लाइफ में, उनके क्लाइंट में जो उन्होंने चढ़ाई की थी उसमें एक मेजर रोल प्ले किया। तो उनकी 3 क्वालिटीज क्या क्या थी उनमें? एंड्योरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, दृढ़ता एंड विल पावर। और विल पावर थी उनमें, ये 3 क्वालिटीज थी। दॉज प्ले अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंट। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? एडवेंचर है, कोई उसने एडवेंचर किया, क्यों बन जाता है रिस्की होते हुए भी? कोई एडवेंचर आप करते हो, रिस्की होते हुए भी, खतरनाक होते हुए भी आपके लिए प्लेजरेबल क्यों बन जाता है? आपके लिए वो खुशी देने वाला क्यों बन जाता है? आपको आनंद देने वाला क्यों बन जाता है? तो आंसर है इसका, व्हेन एन एडवेंचर इज कंप्लीटेड, जब कोई एडवेंचर कंप्लीट होता है, इट बिकम्स अ प्लेजर विच लास्ट अ लाइफ टाइम। जब आपका कोई एडवेंचर कंप्लीट होता है तो उसको आप जब उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो जो एक खुशी होती है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके साथ बनी रहती है। इट अराइजेस अ सेंस ऑफ बैटल फॉग एंड फॉन, ये ऐसा लगता है मानो आपने कोई लड़ाई लड़ी है, युद्ध लड़ाया और आप उसमें जीत गए हो। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्टरी एंड हैप्पीनेस, और ये जो फीलिंग होती है ये ऐसी फीलिंग होती है जो कि एक विक्टरी मीन्स जीत, और हैप्पीनेस यानी कि एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको कब मिलती है? जब आप जीतते हो, या खुशी, खुशी और जीत की एक अच्छी फीलिंग होती है। देन लुक, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज इट फाउंड इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इट इज स्टेबल? इसमें है कि ऑथर जब माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो वो अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते हैं? यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेबल मीन्स होता है रोक पाना, और इट लगा दिया तो नहीं रोक पाना, मतलब खुद को कंट्रोल में क्यों नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने क्यों ठान लिया कि उन्हें माउंट एवरेस्ट पर जाना ही चाहिए। द ऑथर फाउंड माउंट एवरेस्ट मोस्ट इरेजिस्टेबल बिकॉज इट इज द हाइएस्ट द माइटेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज मेड मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स अर्लियर टू कंक्वर इट। ऑथर ने पाया कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ज्यादा इरेजिस्टेबल है, सबसे ज्यादा मतलब कि जहां पर नहीं जाया जा सकता, ऐसा ऐसी जगह है जिस जगह पर जाने को वो मतलब बेचैन हो गया और खुद को वो नहीं रोक पाया। बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है, द माइटेस्ट और सबसे शक्तिशाली है वर्ल्ड में, और एंड हैज मेड मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स अर्लियर टू कंक्वर इट, कंक्वर मींस विक्टरी। और यहाँ पर बहुत सारे असफल मतलब बहुत सारे प्रयास किए गए थे, लोगों ने बहुत सारे वहां पर जाने के लिए ट्राई किया था, बट दे कांट सक्सेस, वो सफल नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए जो ऑथर है वो चाहते हैं कि वो वहां पर जाए, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है, सबसे माइटेस्ट है, और ऐसी भी है जहां पर बहुत से लोग गए लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए, तो वो वहां पर इसलिए जाना चाहता है और खुद को वो नहीं रोक पाता है। ये एक वर्ड है इरेस्टिबल, तो इसका आप देख लीजिएगा, इसका मीनिंग है ना रोक पाना, खुद को नहीं रोक पाना। एंड नाउ इट इज अ क्वेश्चन नंबर 4, वन डज नॉट डू इट मीन्स क्लाइंब अ पीक, हाई पीक फॉर फेम अलोन, बट डज वन डू इट फॉर रियली? मीन्स कोई हाई पीक पर सिर्फ फेमस होने के लिए या खुद को फेम करने के लिए, फेमस होने के लिए ही नहीं जाता है, बट डज वन डू इट, फिर किसके लिए कोई ऐसा करता है, कोई क्यों जाता है फिर इतनी ऊंची चढ़ाई पर, इतनी ऊंची चोटी पर? रियली मैं सच में क्या है कि वो क्यों जाता है, क्या रीजन है माउंटेन जो पीक है उस पर वो क्यों जाता है? तो इसका आंसर है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग हाई पीक आर सेटिस्फाइंग बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंबिंग, वन हु हैज बीन गोइंग टू क्लाइंब अ माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, ही इज टोटली चेंज्ड। तो इसमें है
कि वन डज नॉट डू इट, कि कोई अपनी फेमस के लिए सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए ही उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं जाता है, बल्कि और भी कुछ है. क्या है? वन डज वन डू इट फॉर, किसके लिए कोई ऐसा करता है? आंसर है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग ए हाई पीक. हाई पीक की चढ़ाई करने के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो कैसे होते हैं? सेटिस्फाइंग, आपको सेटिस्फाइड करने वाले होते हैं. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंबिंग, क्योंकि ये केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं होती है कि आप फिजिकल क्लाइंब कर रहे हो, कि फिजिकल से नहीं, आप मेंटली एक इंटरनली आप काफी चेंज हो जाते हो. वन हु हैज बीन गोइंग टू क्लाइंब ए माउंटेन टॉप, जो कोई माउंटेन टॉप पर पहुंच गया होता है एक बार हाई पीक पर, बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस. अब उसे इस यूनिवर्स में अपनी जो स्मॉलनेस है उसके बारे में वो अच्छे से कॉन्शियस हो जाता है, अच्छे से वो परिचित हो जाता है. अब उसका ईगो है, जो घमंड वगैरह, वो चूर हो जाता है. ही इज चेंज, और वह बिल्कुल ही चेंज भी हो जाता है. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. एंड नाउ देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट. कि एवरेस्ट पर जो टीम गई थी उन्होंने कौन से सिंबल छोड़े रिस्पेक्ट के लिए, रेवरेंस मींस रिस्पेक्ट, एक सम्मान के रूप में कौन से सिंबल वहां पर छोड़े थे. तो ये आपको पता ही है कि पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा जी की एक पिक्चर, पिक्चर ऑफ गुरु नानक जी, क्रॉस एंड रिले ऑफ बुद्धा, यही सब जो सिंबल थे वहां पर छोड़े गए थे मेंबर्स के द्वारा, जो वहां पर टीम गई थी एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए. तो उन मेंबर्स के जब उन्होंने विक्टरी हासिल की तो उसके बाद उन्होंने यही सिंबल वहां पर छोड़े थे एज ए रेवरेंस. But according to the writer, did his experience as an Everester teaching? Writer के according, इसमें जो writer है उसके according उसका जो experience था, उसका जो अनुभव था, उसने उसे क्या सिखाया? According to the writer, his experience taught him to face life's painful experiences with determination. Writer के according उसका जो अनुभव था एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला, जो अनुभव था वहां पर जाकर वह कंक्यूर होता है, वहां पर जीत हासिल भी कर लेता है, तो उसके बाद जो उसका एक्सपीरियंस था उसने उसे क्या सिखाया कि लाइफ की जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ में जो दुखदायी टाइम आता है, अनुभव होता है, एक वक्त आता है जो काफी पेनफुल होता है, उस टाइम को, उस मोमेंट को कैसे वो डिटरमिनेशन के साथ हमें फेस करना चाहिए, किस तरह से कि भाई दृढ़ता के साथ हमें उस बुरे वक्त का सामना करना चाहिए. तो यही एक्सपीरियंस उसने राइटर ने अपने उससे सीखे थे, जो वहां पर गया था चोटी पर चढ़ा था, उसके बाद उसने यही जाना कि लाइफ में हमें हर तरह के जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डिटरमिनेशन के साथ, उनके साथ मुकाबला करना चाहिए. सो स्टैंड्स देन चैप्टर 5 हैज कंप्लीटेड नाउ एंड आई होप you have understood it very well and gained also the moral value to develop your personality also from this chapter. Thanks.